नेशनल पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम ये है कि ये कॉर्पस बेस्ड पेंशन है। पहले कोई भी कर्मचारी नौकरी करता था तो उसको पेंशन की गारंटी होती थी। आज चूंकि एनपीएस एक कॉर्पस बेस्ड पेंशन है, ऐसे में जो भी कर्मचारी 10 साल 12 साल 13 साल की नौकरी के बाद आज जो रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 400 रुपये की पेंशन मिल रही है। तो हम जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को, हमारे जम्मू कश्मीर के 2 लाख परिवारों की आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी हैं जिन्हें 200, 400, 500 रुपए की पेंशन मिल रही है, जबकि उन्होंने अपनी तमाम सेवाएं जो है डेली वेजेस पे या संविदा पे या टेम्परेरी बेस पे दी हैं, और उसके बाद जब वो रेगुलर हुए तो 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 9 साल के बाद वो लोग रिटायर हो गए। दूसरी बात, एनपीएस में एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं उठाना चाहता हूँ आप सभी जो मीडिया कर्मी हैं आपके माध्यम से, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ऑटोनोमस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो उनके कर्मचारियों के भविष्य, उनके परिवार ऐसे संकट से गुजर रहे हैं कि अगर उनके किसी परिवार के, मतलब अगर उस कर्मचारी की जो कि एनपीएस के तहत नौकरी कर रहा है, अगर उसकी सेवा काल में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को ना तो सरकार फैमिली पेंशन दे रही है और ना ही उसको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी का हक दे रही है, जबकि हर एक केंद्रीय कर्मचारी को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी का हक दिया गया है। और जो एनपीएस के नाम पर कर्मचारी का 10% जो पैसा काटा जाता है हर महीने, उस पर कर्मचारी को हक दिया जाए, उसके परिवार को हक दिया जाए, ना कि उस पर कॉरपोरेट कंपनियों का जो कि हक चल रहा है, हमारे पैसे को कॉरपोरेट कंपनियां यूज़ करती हैं। यही नहीं, आए दिन कॉरपोरेट में वो पैसा उतार चढ़ाव का शिकार होता है और देखने को मिलता है चूँकि उस पैसे को कॉरपोरेट शेयर मार्केट में लगा रहा है। ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इसे कॉरपोरेट के चंगुल से निकाल करके भारत सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड में, अपनी ट्रेजरी में इस पैसे को रखे और हमें गारंटीड पेंशन, गारंटीड रिटर्न का हक प्रोवाइड करें।